like, share and subscribe TBT. Don't forget to press the bell icon. छत्तीसगढ़ को राइस का बोल भी कहा जाता है। यहाँ 20,000 से भी ज़्यादा राइस की वैरायटीज पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ को चावल के व्यंजन का गढ़ भी कहा जाता है। चावल की अच्छी क्वालिटी, टेस्ट और वैरायटी के कारण मैक्सिमम डिशेस चावल से बनाई जाती हैं। आज टीबीटी आपके साथ छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड की रेसिपी शेयर कर रहा है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सुहारी की रेसिपी। ये छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल फूड है। ये फ्राइड ब्रेड होता है जो चावल के आटे से बनता है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सुहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पानी बॉईल करना है। यहाँ पे हमने 3 कप पानी लिया हुआ है। इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। अगर आप चावल के आटे का कभी भी डो लगाएं तो उसमें पानी बॉईल करके ही डालें, जिससे आपका चावल का आटे का डो सॉफ्ट बनेगा। अब हम पानी को बॉईल होने देंगे। अब यहाँ पे हम चावल का आटा ले लेंगे। जितना हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है उतने ही क्वांटिटी में हम यहाँ पे चावल का आटा लेंगे। हमने 3 कप पानी बॉईल होने रखा है, इसलिए हम यहाँ पे 3 कप चावल का आटा ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब हमने जो पानी बॉईल किया था वो हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। चावल के क्वालिटी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कितना पानी मिक्स करना है। जब तक इसका डो तैयार ना हो जाए आपको तब तक इसमें पानी मिक्स करना है। देखिए ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। धनिया इसलिए हमने बाद में ऐड किया जिससे इसका कलर मेंटेन रहे। अच्छे से डो तैयार होने के बाद हम इसकी छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे कुछ इस तरीके से, हाथों की मदद से। यहाँ पे हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे जैसे आपकी पूरियां बनती जाएंगी आप इसे डीप फ्राई करते जाइएगा। देखिए ध्यान रखिए इसमें क्रैक्स ना हो। अब हम इसे फ्रायर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होते तक हमें इसे कुक करना है। ये कुछ इसी तरीके से हमने दूसरी पूरी भी ले ली है और इसे भी हम फ्रायर में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए ये पूरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे किसी भी डिश में निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में इसे टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। ये टमाटर की चटनी के साथ खाने में बहुत ही यमी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है और इसमें चावल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये ग्लूटेन फ्री है तो ये फैट को भी बढ़ने नहीं देगा। तो आप इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Hey everyone, you can also follow us on Instagram, like us on Facebook, follow us on Twitter. Follow us so you will never miss an update. Thank you guys for watching our videos. Thank you.